देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी लड़कियों ने जो बेहतरीन प्रदर्शन करके जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया हॉकी और टेबल टेनिस में, तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि का श्रेय मैं हमारे मेहनती लड़कियों को, बच्चों को, हमारे राजेश चौहान जी DPG को और समस्त स्टाफ को दूंगा, और पूरे नघेता आंच भोज को इस उपलब्धि के लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। और आगे राज्य स्तर पर जो आयोजित होने वाली है उसके लिए भी मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे विद्यालय में गतिविधियों को लेकर के जो ग्राउंड की, अन्य उपकरणों की जो समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी हमारे बच्चों ने कड़ी मेहनत से जिला स्तर पर प्रथम हासिल करके ये दिखा दिया है कि इन बच्चों में कितनी काबिलियत है। और भविष्य में भी मैं चाहूँगा कि हमारे DP साहब के अगुवाई में और हमारे स्टाफ जो इनको समय समय पे प्रोत्साहित करता रहता है, कि इनके प्रयास से ये बच्चे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाएंगे। जी, इसके लिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा विद्यालय के DP श्री राजेश चौहान जी को, जिनकी अथक प्रयास और अथक मेहनत से विद्यालय इस मुकाम में पहुँचा है। और अगर महत्वपूर्ण बात की जाए तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं पर भी अगर फिजिकल एजुकेशन के जो अध्यापक होते हैं उनकी एक कंट्रावर्सी रहती है अन्य अध्यापकों के साथ, क्योंकि उनका मेन विषय होता है फील्डिंग। तो फील्ड, उनकी जो फील्ड है उनकी उनका जो रिजल्ट है, जिस प्रकार मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूँ तो मेरा जो मेन फोकस होता है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर रहता है। मेरी मुख्य कोशिश होती है कि हमारे बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो 100% आए और हमारे जो बच्चे हैं अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना और सीखना सीख जाए। उसी प्रकार से इनका जो महत्वपूर्ण जो काम है वो है फील्ड का काम। तो इन्होंने यहाँ से मात्र दो टीमों को तैयार किया और दोनों ही टीमों में विजयश्री आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित तो समस्त स्टाफ को भी जिन जिन की कॉपरेशन इनको मिली है, और विशेषकर इनसे भी ज़्यादा मैं बधाई देना चाहूँगा विद्यालय की छात्राओं को, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस मुकाम पे विद्यालय का नाम रोशन किया, इलाके का नाम रोशन किया। पूरे आंध्र क्षेत्र के लिए एक गर्व की बात है।